प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से किया है कि वो योग दिवस को चिन्हित करें और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि कुछ ही दिनों बाद दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। मेरा आग्रह है कि आप सभी योग दिवस का हिस्सा बनें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके एक नहीं अनेक लाभ हैं। उन्होंने इसके साथ ही योग से संबंधित एक यूट्यूब लिंक भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को अपने सपने साकार करने और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत की युवा शक्ति उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देश का युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रहा है। मोदी ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं के विकास के लिए किए गए सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उद्यमिता से लेकर खेलों तक सभी क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों के युवाओं का परचम दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति नए भारत के लिए एक मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को सशक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए आवश्यक हर पहल की गई है। इनमें नई शिक्षा नीति, IIT और IIM का विस्तार, नए स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न के साथ ही खेलो इंडिया केंद्र शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांव का विकास करना जरूरी है। अमित शाह ने गुजरात स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान इरमा के 41वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मानते थे कि हमारे देश की आत्मा गाँव में बसती है और उसे मैं दृढ़ता के साथ मानता हूँ। अगर गाँव समृद्ध, आत्मनिर्भर और अच्छी सुविधाओं से युक्त होंगे तो देश भी समृद्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के लिए पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अधिकृत किया है। पार्टी ने कहा कि ये दोनों वरिष्ठ नेता एनडीए के सहयोगी दलों, यूपीए गठबंधन के दलों, साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं और निर्दलियों के साथ राष्ट्रपति चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अगले महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल की वायनाड संसदीय सीट से सांसद राहुल गांधी सोमवार को यानी कि आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश होंगे। उन्हें समन किए जाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है और राजनीतिक बदले का आरोप लगाया है। पार्टी ने सोमवार को यानी कि आज दिल्ली समेत देश भर में ईडी दफ्तर के समक्ष सत्याग्रह कार्यक्रम का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के समर्थन में निकाले जाने वाले कांग्रेस के मोर्चे को अनुमति नहीं दी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को कल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट किया गया। उन्हें पिछले दिनों कोरोना हुआ था। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दी। उनके मुताबिक सोनिया की हालत स्थिर है और उन्हें अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। अब तक 2 बार उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो पिछले करीब 10 दिनों से बीमार हैं। देश में अब तक 195 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश 200 करोड़ के आंकड़े को छूने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोविड से निपटने में देश के सामूहिक प्रयासों के कारण इतनी बड़ी संख्या में टीके लगाकर सुरक्षा कवच हासिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के अजाम जिले के अग्रिम इलाकों में 28 मई से लापता 2 भारतीय जवानों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सेना उनके लिए व्यापक तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन अब तक उन दोनों जवानों का कोई पता नहीं चल पाया है। अग्रिम चौकी पर तैनात नायक प्रकाश सिंह और लांस नायक हरेंद्र सिंह गलती से नदी में गिर गए थे। दोनों की तलाशी जारी है। टोही विमानों और खोजी कुत्तों के इस्तेमाल के बावजूद अब तक कोई पता नहीं चल पाया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करने समेत 4 प्रस्ताव पारित किए गए। समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड में कमेटी बनाए जाने पर संतों ने सरकार का साधुवाद किया। हरिद्वार में निष्काम सेवा ट्रस्ट में रविवार को 2 दिवसीय बैठक के आखिरी सत्र के बाद
विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि देश भर से आए संतों के साथ हुए मंथन के उपरांत 4 प्रस्ताव पारित किए गए। खेलो इंडिया युवा खेलों में तीरंदाजी की रिकर्व प्रतियोगिता में हरियाणा की रिद्धि ने लड़कियों और राजस्थान के कपिश सिंह ने लड़कों का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फुटबॉल में तमिलनाडु की लड़कियों ने झारखंड को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में हरियाणा 39 स्वर्ण, 35 रजत और 42 कांस्य सहित कुल 116 पदकों के साथ एक बार फिर से शीर्ष पर है। महाराष्ट्र 39 स्वर्ण और 35 रजत, 30 कांस्य पदकों सहित कुल 104 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो वहीं कर्नाटका 21 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे, मणिपुर चौथे, केरल पांचवें और दिल्ली 7वें स्थान पर है। और आइए देखते हैं राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद की सभी सीटों पर जीत हासिल की है। असम राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को इसकी जानकारी दी। चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद पीएम मोदी ने भी पार्टी के प्रदर्शन की तारीफ की। हाल में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल लश्करे तैयबा का आतंकवादी आदिल परे रविवार को पुलिस के साथ अचानक हुई मुठभेड़ में मारा गया, जिससे पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 5 हो गई है। मारे गए आतंकवादियों में लश्करे तैयबा का आतंकवादी आदिल परे भी है, जो हाल ही में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव कराया जाएगा। बीजू जनता दल के विधायक एसएन पात्रो ने 4 जून को विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये पद खाली हो गया। बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक विक्रम केशरी अरुखा ने शुक्रवार को ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष के पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान जामा मस्जिद इलाके के निवासी मोहम्मद नदीम और तुर्कमान गेट इलाके के फहीम के रूप में हुई है। इन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ IPC की धारा 188 और धारा 153A के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए जाँच की जा रही है। पश्चिम बंगाल ने नाडिया जिले में लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने ट्रेन पर हमला किया। इससे पहले राज्य के हावड़ा जिले में हिंसक प्रदर्शन हुआ। बीजेपी से निष्कासित नेता के विवादित बयान के बाद से राज्य में हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। बिहार विधान परिषद में 7 सीटों पर 20 जून को मतदान होने वाला है। इन 7 सीटों पर नामांकन 9 जून तक था और नामांकन पत्रों की जांच 10 जून तक होनी थी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 13 जून यानी कि आज का दिन निर्धारित किया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 735 नए मरीजों का पता चला है और इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर 19,12,798 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 537 रोगी स्वस्थ हुए और कोरोना संक्रमण से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 30,390 पात्र लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। दिल्ली में अब तक 3,44,96,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। दक्षिण और पश्चिम में भले ही मानसून आ चुका है, लेकिन समूचा उत्तर भारत इस वक्त भयानक गर्मी की चपेट में है। दिन में झुलसा देने वाली धूप और उमस से भरी रातों ने लोगों का सुख चैन छीन लिया है। दिल्ली में इस साल गर्मी ने कुछ नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। दिल्ली में इस मौसम में अभी तक 25 दिन ऐसे रहे हैं जब अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा दर्ज किया गया है। दिल्ली में इस साल अप्रैल के महीने में 72 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा गया, जो 1951 में बना था। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट सामने आया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों ने इसे ओमिक्रॉन का एक नया सब वेरिएंट बताया है। रूस में स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ये जानकारी दी गई है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने मई में चेतावनी दी थी कि जिन देशों में टीकाकरण की दर कम है वहां ओमिक्रॉन के
BA4 और BA5 सब वेरिएंट के मामले अधिक संख्या में देखने को मिल रहे हैं, जबकि BA2 की उपस्थिति दुनिया के कई हिस्सों में दर्ज की गई है। भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन की संभावना पर चर्चा की है। इससे पहले जुलाई 2020 में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए किए गए निर्णय के अनुसार ब्रुसेल्स में आयोजित पहली भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श में विचार विमर्श हुआ। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि रूस द्वारा भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति तय कार्यक्रम के अनुसार अच्छी तरह से हो रही है। राजदूत की ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण के मद्देनजर रूस द्वारा भारत को प्रमुख सैन्य साजो सामान की आपूर्ति में संभावित देरी को लेकर चिंता जताई जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 5 साल के अंतराल के बाद ये बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई, जहां स्विस शहर में 12वीं विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक के मौके पर पीयूष गोयल ने WTO के महानिदेशक नोगोजी ओंकोजो के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के स्थायी समाधान की संभावनाओं से संबंधित चर्चा की। श्रीलंका सरकार ने अब पेट्रोल डीजल के हफ्ते भर के कोटे तय कर दिए हैं। इसके तहत अब पेट्रोल पंपों पर राशनिंग व्यवस्था लागू होगी। श्रीलंका सरकार की अगले महीने से ईंधन राशन योजना शुरू करने की भी योजना है। श्रीलंका के एक वरिष्ठ मंत्री ने रविवार को ये बात कही। अप्रैल की शुरुआत तक बिजली उत्पादन के लिए डीजल और फर्नेस ऑयल की कमी के कारण श्रीलंका रोज 10 घंटे की बिजली कटौती का सामना कर रहा है। थर्मल पावर जनरेशन के लिए डीजल आपूर्ति का दबाव आने के कारण श्रीलंका में फरवरी के मध्य से ईंधन की समस्या है। इसकी वजह से पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन को एक और नया झटका दिया है। रूस अब यूक्रेनी नागरिकों को अपना बना रहा है। रूस के कब्जे वाले शहरों में पुतिन की सेना पासपोर्ट बांट रही है। पश्चिमी देशों से लगातार हथियार की मांग कर रहे ज़ेलेंस्की को रूस के इस कदम से बड़ा झटका लगा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के इस कदम की निंदा करते हुए इसे अपनी क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन बताया और कहा कि पुतिन का ये फरमान कानूनी रूप से अमान्य है। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग ने कहा कि चीन भारत पड़ोसी हैं और आपस में अच्छे संबंध बनाए रखना दोनों देशों के हितों को पूरा करता है। दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चांगरी लॉ डायलॉग को संबोधित करते हुए चीनी रक्षा मंत्री ने दक्षिण चीन सागर सहित क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का भी आह्वान किया। गौरतलब है कि भारत और चीन ने चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में मई 2020 से तनावपूर्ण सीमाई गतिरोध है, जब पेंगोंग झील क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प शुरू हुई थी। चीन भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलों और सड़कों और आवासीय इकाइयों जैसे अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण भी लगातार कर रहा है।